हेलो फ्रेंड्स, इनफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 29 मई से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1658 ईस्वी में आज ही के दिन सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा सिखों को शिकस्त दी थी और दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया था। सन 1865 ईस्वी में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार रामानंद चटर्जी का जन्म हुआ था। सन 1906 ईस्वी में आज ही के दिन हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म हुआ था। सन 1922 ईस्वी में आज ही के दिन इक्वाडोर को आज़ादी मिली थी। सन 1947 ईस्वी में आज ही के दिन इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। सन 1953 ईस्वी में आज ही के दिन शेरपा तेनजिंग और न्यूजीलैंड के पर्वतारोही एडमंड हिलेरी ने इतिहास में पहली बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की थी। सन 1968 ईस्वी में आज ही के दिन दारा सिंह ने पहलवानी में विश्व चैंपियनशिप पर कब्जा किया था। सन 1970 ईस्वी में आज ही के दिन सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। सन 1971 ईस्वी में आज ही के दिन हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनय के इतिहास पुरुष और मुंबई में पृथ्वी थिएटर स्थापित करने वाले पृथ्वीराज कपूर का निधन हुआ था। सन 1977 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध भाषाविद, साहित्यकार तथा विद्याशास्त्री सुनीति कुमार चटर्जी का निधन हुआ था। सन 1985 ईस्वी में आज ही के दिन यूरोपीय फुटबॉल कप के दौरान दो टीमों के प्रशंसकों के बीच हुई झड़प में 39 लोगों की मौत हो गई थी। सन 1987 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का निधन हुआ था। सन 1988 ईस्वी में आज ही के दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक ने सरकार को बर्खास्त कर संसद को भंग किया था। सन 1990 ईस्वी में आज ही के दिन दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू में भीषण भूकंप आया था। सन 1999 ईस्वी में आज ही के दिन डिस्कवरी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से जुड़ा था। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। सन 1999 ईस्वी में आज ही के दिन नाइजीरिया में नई सत्ता व्यवस्था स्थापित की गई थी। सन 2007 ईस्वी में आज ही का दिन जापान की रियो मोरी मिस यूनिवर्स बनी थी। सन 2015 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप हुआ था, जिसे 1800 लोगों की मौत हो गई थी। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया था। वह 74 वर्ष के थे। अजीत प्रमोद कुमार जोगी ने नवंबर 2000 से नवंबर 2003 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में संचार सभ्यता अधिनियम CDA की धारा 230 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये थी आज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।